दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विधायक अभय वर्मा, पूर्व विधायक नितिन त्यागी, नसीब सिंह, शाहदरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल और महिला मोर्चा अध्यक्ष अपर्णा गोयल सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभय वर्मा ने कहा है कि कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, तब केजरीवाल अपने शीश महल के निर्माण में लगे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस महल के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। देखिए, ये प्रदर्शन केजरीवाल जैसे लोगों को एक्सपोज करने वाला प्रदर्शन है। हम सबको अच्छे से याद है कि कोविड में जब दिल्ली की जनता अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, तो ये तथाकथित मुख्यमंत्री अपने शीश महल को बनाने में लगा हुआ था और दिल्ली की जनता के प्रवाह के बिना लगातार शीश महल में करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। उसके बाद शराब घोटाले में ये साहब जेल गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, किसी दफ्तर में नहीं जा सकते, तो इन्होंने पद छोड़ा। लेकिन इनका कमोड से मोह भंग नहीं हुआ, घर खाली करते वक्त कमोड की चोरी करके ले गए। ये सच, ये केजरीवाल की मानसिकता, ये दुराग्रह से ग्रसित व्यक्ति के सच को बताने के लिए हम जमीन पे उतरे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इसकी करतूतें क्या है। आज देखिए, ये प्रदर्शन कोई ऐसे हो हल्ले का प्रदर्शन नहीं है। हम सब जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिसको आपने ईमानदार समझकर दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, उसने जनता के टैक्स के पैसों से शीश महल बनाया। शीश महल में जितना भी भ्रष्टाचार था, कैट की रिपोर्ट आई, उसने टेबल नहीं की और अब वो अपने घरों में लगी महंगी चीज़ें भी उखाड़ उखाड़ कर ले जा रहे हैं। ये चीज़ बताने के लिए आज हम जनता के सामने यहाँ पर हैं। हर चौराहों पर हमारे भाजपा कार्यकर्ता हैं। संख्या चाहे भले ही हमारी 10-15 रही हो, क्योंकि हम ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि भ्रष्ट केजरीवाल सरकार अब दिल्ली में नहीं चल सकती। कितने जिलों में ये प्रोग्राम हो रहा है? पूरी दिल्ली में ये प्रोग्राम हो रहा है और पूरी दिल्ली के सभी व्यस्त चौराहों पर इसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से हमारे कार्यकर्ता ऐसे बैनर और प्लेकर्ड्स लेके खड़े हैं, जिससे जनता को पता लगे कि जिसको आपने ईमानदार कहा, जिसने इतने को दिल्ली का बेटा कहा, वो दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भक्षक है, चोर है, भ्रष्टाचारी है। ये मैसेज देने के लिए हम यहाँ पर आज खड़े हैं। देखिए, केजरीवाल जो है, जो शीश महल में रहते थे, वहाँ से बहुत सारा सामान गायब है, जिसमें एक टॉयलेट सीट भी गायब है, जो कि 12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट थी, और अनेक सामान गायब है, जो कि पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों ने एक लिस्ट बनाई, उस जो लिस्ट लगाई बनाई वहाँ सामान लगाया गया था, वो सामान गायब है उसमें से। तो इसका मतलब यह है कि वो इतने भ्रष्टाचारी हैं, तो सामान को भी क्या नाम है लेकर चले गए साथ में। दूसरी बात एक ये भी हो सकती है, जो मैं मेरा आगना है कि वो बिल्डर से, तो बिल्डर ने तो पैसा आपके जिसने वो बनाई थी कोठी, उन्होंने उसको तो पैसा दे दिया, लेकिन वो 12 लाख रुपए अपनी पार्टी के लिए उससे डोनेशन में ले लिया या नंबर दो में करप्शन में ले लिया, ये भी हो सकता है संभव। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो जिन्होंने किया है उनके साथ में, अभी तो शराब के इनके ऊपर घोटाले का आरोप और क्या नाम है दोषी साबित हो चुके हैं, क्योंकि इनके ही साथियों ने कहा कि हमने घोटाला किया है। इसी तरह से जो टॉयलेट का घोटाला है, वो भी इनका पकड़ा जाए और पकड़ के इन दोषियों को सजा दी जाए। आज आपको यहाँ प्रदर्शन करके क्या चाहिए? आज हम यहाँ निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास मधुबन चौक शकरपुर विकास मार्ग पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मैं स्वयं रामकिशोर शर्मा, निगम पार्षद वार्ड 202 शकरपुर, हम लोग आज ये संदेश देने के लिए खड़े हैं कि एक तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र चूटियां चुरा कर ले गए थे अपने सरकारी निवास से, अब शीश महल से 12 लाख के कमोड निकाल कर ले गए, ये कौन सी सभ्यता है? ये कट्टर भ्रष्टाचारी जो अपने को कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, जरा बताएं, वहाँ कोई भाजपा का कार्यकर्ता गया नहीं, वहाँ किसी और का प्रवेश था नहीं, तो वो 12 लाख के कमोड कहाँ गए?
आप उनको निकाल के ले गए अपने पर्सनल घर में लगाने के लिए। शर्म आनी चाहिए। हम ये दिखाना चाहते हैं कि नीचे स्तर कितने निचले स्तर पर उतर गए हैं कि कमोड निकाल कर ले गए हैं। आज हमारे कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर सभी चौराहों पर ये कटआउट लेकर खड़े हैं कट्टर भ्रष्टाचारियों के। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।